डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर मेरठ में पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के MD ईशा दोहन यहाँ पर तैनात हैं। प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर का गृह जनपद भी मेरठ है, लेकिन मेरठ में बिजली विभाग का बुरा हाल है। आज बिजली अभियंताओं ने चीफ इंजीनियर के कक्ष में जमकर हंगामा किया। आरोप है कि बिना पैसे यहाँ कोई काम नहीं होता है। जो सामान दिया जा रहा है वह गुणवत्ता के मानकों को पूरा नहीं करता। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर ये सामान खरीदा गया है। इनके खराब होने पर अभियंताओं को निलंबित किया जा रहा है। इसके अलावा भुगतान से लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग में भी जमकर पैसा खाया जा रहा है। इससे आहत एक अभियंता ने आत्मघाती कदम भी उठा लिया। मौके पर मौजूद चीफ इंजीनियर ने स्टाफ द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को यह कहते हुए नकार दिया कि ऐसे आरोप तो लगते रहते हैं। वहीं मौके पर मौजूद सरधना विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि मेरठ ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में बिजली विभाग का यही हाल है। भ्रष्टाचार चरम पर होने का खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। पहले देखिए चीफ इंजीनियर के कक्ष में उनके सामने भ्रष्टाचार के खुले आरोप लगाते हुए कर्मचारी। समस्या हमारे साथ भी है, पब्लिक के साथ है, हम लोग पब्लिक के साथ है, लेकिन सुविधाएं हमको देनी पड़ेगी तभी बिजली घर चलेगा। जब तक मटेरियल हमें नहीं मिलेगा तो हम एजेंसी नहीं मिलेगी काम करने के लिए, कैसे चला पाएंगे? गर्मी का महीना है, हमें मटेरियल नहीं मिल रहा, मैन पावर नहीं मिल रहा, हम नहीं चला पाएंगे, कैसे चला पाएंगे? ऊपर से कार्रवाई का तलवार रोड पर टक रही है। आज तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, तुम्हें ट्रांसफर कर देंगे, पैसे दे दो इतने, ये दे दो उतने, वो दे दो उतने, दैनिक सुविधाएं चाहिए। सुधीर कुमार जो सस्पेंड किया गया बिजोली से, वो मीटर लेके पीडी के डिक्लेयर कराने आ रहा था, बीच रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, उसके कंधे में चोट है, हाथ में फ्रैक्चर है, उसके अब आदमी जहर नहीं खाएगा और क्या करेगा? एक तरफ जनता भी परेशान, ऊपर से आप सामग्री नहीं दे पा रहे, क्या होगा इस स्थिति में? ऊपर कोई नहीं बोलता, सब कुछ यही बोलेगा, और वहाँ पे दलाली हो रही है, वहाँ वो मांग रहे हैं पैसा। सबसे ज्यादा दिक्कत ये मटेरियल नहीं मिल रहा, और मटेरियल नहीं मिलेगा, मालिया IVC केबल जल गई, नहीं मिलेगी, या मालिया और इसके अलावा कोई इक्विपमेंट है वो नहीं मिलेंगे, तो फिर आप लाएगा काम, और वो है कंपनी का काम, वो कंपनी वाले लोग हमने बुलाया तो SDO साहब उसने भी लगाया, क्या नाम पर सुन रहे हैं सर, मैं ये देख रहा हूं सरदना में कभी लालच में टीम नहीं है, जीवन में जो खरीदी जा रही है वो भी तो यही खरीद रहे हैं, सामग्री जो क्वालिटी कम आ रही है उसका भी इंस्पेक्शन इनके द्वारा हो रहा है, जिम्मेदारी जो है केवल यही की है, जिम्मेदारी जो भुगत रही बिचारी जनता भुगत रही है भाई, सामग्री भी तो लो क्वालिटी खरीदी जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है कि ट्रांसफर फूक जाना लगाते ही क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए भाई, बिना क्वालिटी के आदमी कोई 400 बार ट्रांसफार्मर लगाते हैं।
अब 48 का टेम्परेचर था और इतनी भयंकर गर्मी थी, अगर मटेरियल खराब हो तो चले जाए कुछ भी चीज चल रहे सर चल भी नहीं रहे हां क्वालिटी खराब है। अब पब्लिक गाली देगी जाएगी साहब, जिस बात की कोई जांच नहीं कर रहा, ये गलत हुआ यार। छुट्टी के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं, छुट्टी मेरा कैंसिल कर दिया, ऐसी स्थिति बना दिया चीफ साहब आपने। जब से आप आए तब से पूरा मेहनत का मेरा कर दिया है, मेरा घर कर दिया। तुम्हारी छुट्टी संजय करने के लिए सिर्फ पैसे मांग रहे हैं। राजपूत को बुलाओ, फर्स्ट वाले को बुलाओ, पानी बिहार जी की तो बने बाद हम मीटिंग करेंगे, आज यही बैठेंगे, पूरा मेरिट बंद होगा, बात बंद होगी, उसके बाद पूरा तुरंत बंद करेंगे, निपटा के जाएंगे, तुम्हें भी हम ही निपटेंगे, तुम्हें भी निपटेंगे। सर जहर तो उसने खा लिया, खा लेंगे, यही खाएंगे सर, राजपूत एक्शन जो है पैसे मांग रहे हैं, छुट्टी सेंशन है, छुट्टी सेंशन है, तनख्वाह बनाने के पैसे मांग रहे हैं। सोनी का साहू जी आपके यहाँ पे बताइए, महिला से एकमात्र उसे कमरे में बुला के पैसे दो जब मैं तनख्वाह बनाऊंगा तुम्हारी। बात भैया नीचे वाले व्यक्ति बोल रहे हैं, सुनिए नहीं नहीं जिम्मेदारी आपकी है सर। एक और अस्तर आया है, एक एसडीओ को कैंसर उसके बेटे को हुआ है, 8 साल का बेटा है, एक ही बेटा है, आपके पास रिक्वेस्ट लेके आया विधायक जी मानने, अभी देख रहे हैं, सुनिए, अरे कुछ नहीं किया आपने, आपके पास रिक्वेस्ट लेके आया कि महोदय मेरे बेटे को ब्लड कैंसर हो गया है, मैं 1 साल से दिखा रहा हूँ दिल्ली में, बहुत स्थिति खराब है उसका, रोज दिन पर दिन स्थिति स्वास्थ्य घटता जा रहा है, मेरा किसी अटैच पद पे पोस्टिंग कर दीजिए, मैं से कम बेटे का इलाज करा सकूं। मानवता के नाते आपका भी बेटा होगा सर, आपका भी परिवार होगा, लेकिन ऐसे मानवता के नाते नहीं करना चाहिए। आपके पास एप्लीकेशन लेके आया 3 दिन पहले, 1.5 लाख रुपए की मांग की गई, दो रुपए अटैच करूंगा, नहीं तो फिर नहीं दिया उसने, आज मेरे पास तो पैसा ही नहीं। अरे साहब सुनिए, हम नहीं सच्चाई है, झूठ बोल रहे हैं, आपके पास पैसा क्यों नहीं है? इधर इधर यार तुम्हारे अंदर होगी क्यों ऐसा कहा है तुम्हारे अंदर आपने माहौल इस तरह का बना दिया, मजबूरी में है सब लोग, और आज यहाँ से जब जाएंगे हम लोग जब उसका निस्तारण होगा, आप बुला लो एक्शन को, टेस्ट करके बोलो और हमारे जो ये जो बोल रहा है इस मौके पर जूनियर इंजीनियर संगठन के पश्चिमांचल के सचिव आर.ए. कुशवाहा ने मीडिया को यह जानकारी दी। मैं आर.ए. कुशवाहा, मैं जूनियर इंजीनियर संगठन का पश्चिमांचल सचिव हूं। आज क्या समस्या लेकर आए थे आज अपने यहाँ पे? समस्या लेकर क्या आए थे हम लोग माननीय मुख्य अभियंता महोदय के सामने, 3 दिन पहले एक जेई का लगभग 3 महीने पूर्व उसका वो हुआ था, बहाली हुई थी सस्पेंशन के बाद, और 3 दिन पहले उसका ट्रांसफ़र कर दिया था, और ट्रांसफ़र के बाद रात उसको सस्पेंड कर दिया, उसने जहर खाकर सुसाइड का प्रयास किया, अभी भी वो जिंदगी मौत से जूझ रहा है अस्पताल में, हम लोग सभी लोग पैसे इकट्ठा करके उसका इलाज करा रहे हैं, कोई भी अधिकारी उसे हॉस्पिटल में देखने नहीं गया, और क्या समस्याएं हम लोग के साथ चल रही है, माननीय मुख्य अभियंता महोदय उसको सुनते नहीं है, इनके नीचे के अधिकारी कहते हैं पैसे लिया केवल हम लोग लिया के दो और तुम लोग झिलते रहो, अधिकारी समस्याओं का समाधान करने के लिए पैसे मांग रहे हैं, कोई भी अधिकारी इनका अधीन सब पैसे मांग रहे हैं, पैसे ले लेके ट्रांसफर करे, अधीक्षण अभियंता संजीव वर्मा मांग रहे हैं, इनका अधिशासी अभियंता फर्स्ट मांग रहे हैं पैसा, और खुलेआम पैसे मांगे जा रहे हैं, एक कनेक्शन पर 1000 रुपये पर के बी के हिसाब से पैसे मांगे जा रहे हैं, जब से फर्स्ट में एक्शन आए तब से तो एकदम मचा रखा पूरा उत्पत्ति, इसी स्थिति हो गई है, बिना पैसे का कोई काम नहीं होगा।
आप लोगों क्या क्या समस्याओं का समाधान? हम लोग का समस्या ये है कि अगर एक अवधिया को सस्पेंड कर दिया जा रहा है, उसके पास अतिरिक्त 3 बिजली घर का चार्ज है, तो अब दूसरे को दे रहे हो जिसके पास अतिरिक्त 2 है, तो उसके पास तो 5 बिजली घर का चार्ज हो गया, वो कैसे चला पाएगा? नहीं चला पाएगा, फिर उसको भी सस्पेंड करोगे, तो ये तो अनवरत प्रक्रिया है। क्या कह रहे हैं आप लोग? हम लोग चार इतने हमारे आदमी सस्पेंड हुए हैं, सबको रिस्टेट करें। अभी एक लेटेस्ट न्यूज आपको बता रहा हूँ, एक उपखंड अधिकारी के बच्चे को कैंसर है, दिल्ली में दिखा रहा है, 3 दिन पूर्व मुख्य अभियंता महोदय के सामने आया कि साहब मुझे कहीं अटैच करा दो, अप्लीकेशन अधीक्षण अभियंता महोदय से फॉरवर्ड करा के ले आया, उन्होंने रिकमेंड करके भेजने के बजाय तुरंत उसका बागपत ट्रांसफर किया कि तुम बागपत जाओगे तो वहां से तुम बिजली अच्छी भी चला लोगे और अपने बच्चे का इलाज करा लोगे। बता रहे हो कि उससे भी 1.5 लाख की डिमांड करी थी? हाँ, उससे भी। इनके कर्मचारियों ने, इनके ऑफिस में, नाम बताओ ना, कौन जो इनके अधीनस्थ बाबू हैं, जो ट्रांसफर पोस्टिंग की सीट देखते हैं, वो 1.5 लाख रुपए पिछले जब से ये मुख्य अभियंता आए हैं तब से 1.5 लाख रुपए लेकर बागपत से मेरा ट्रांसफर किए जा रहे हैं। 500 ट्रांसफर इन्होंने कर दिए, खुद एसी ट्रांसफर नहीं कर रहा है, ये कर रहे हैं, जिस जो बच जा रहा है और अभियंता उसका एसी ट्रांसफर कर रहा है। रवि, जो एक और अभियंता के एक्सीडेंट की फोटो दिखा रहे थे, वो कार्य के दौरान उसका गाड़ी ने एक्सीडेंट किया, बेचारा जिंदगी मौत से झूल रहा था, और उससे पहले उसका ट्रांसफर करने के नाम पर 20,000 रुपए इनके एसी ने ले लिए, उसके बाद कहा गया कि नहीं और 50,000 रुपए दो तो तुम्हें सस्पेंड कर देंगे। उसने पैसे इनके अधीनस्थ को शामिल होंगे, अवश्य सीधे ये नहीं ले रहे हैं, लेकिन इनके अधीनस्थ पैसे ले रहे हैं, अवश्य हो रहा है, अवश्य हो रहा है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। अगर नीचे इनके अधिकारी पैसे ले रहे हैं, इनके कर्मचारी पैसे ले रहे हैं, सुनवाई नहीं होती है तो आगे हम ऊपर जाएंगे, हम इसको पश्चिमांचल लेवल पर मुद्दा उठाएंगे। अभी तो आज हम इनके साथ ही बैठे हैं, अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम पूरा मेरठ क्षेत्र, मेरठ और बागपत यहीं इकट्ठे होंगे, उसके बाद भी समाधान नहीं हुआ तो पूरा पश्चिमांचल, जो कि मैं पश्चिमांचल का जनरल सेक्रेटरी हूँ, पूरा पश्चिमांचल यहीं इकट्ठा करेंगे हम लोग, अब पूरा पश्चिमांचल की सप्लाई बंद कराएंगे। ये लोग चला के दिखाएंगे कैसे बिजली घर चलते हैं, हम लोग एकदम उत्पीड़ित हो गए हैं, काम से मटेरियल दे नहीं पा रहे। अभी जिस जेई को कल सस्पेंड किया, ट्रांसफार्मर 3 दिन पूर्व 4 दिन पूर्व डैमेज हुआ, जेई ने अपने पैसे से मरम्मत कराया, उसके बारे में इन लोग पता नहीं किए, ये ऊपर खबर दे रहे हैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी को, माननीय एमडी महोदया को, कि नहीं जेई ने 4 दिन पहले पीआर नहीं लगाया, जो हम लोगों ने पीआर लगा रखी है उसी को कम से कम ये लोग सामान दिलवा दें, सामान 5 मीटर 50 मीटर ABC मिल रही है, जबकि ऐसी स्थिति खराब हो गई कि रोज प्रतिदिन जल रहा है, 50 मीटर तार मिल रहा है, LT लीड 50 मीटर मिल रही है, उसका सबूत चाहिए, हम सबूत दे देंगे, गेट पास जो कट रहे हैं, स्टोर में ट्रांसफार्मर घटिया दर्जे के मरम्मत हो रहे हैं, जो ट्रांसफार्मर 3 बार से अधिक मरम्मत नहीं होना चाहिए वो पता नहीं अनगिनत बार मरम्मत हो रहे हैं, जो ट्रांसफार्मर पे कोडिंग होनी चाहिए कि लाल हो गया, लाल कलर का होगा तो अब इस डैमेज होने के बाद निकाल दिया जाएगा, पीले का कलर का होगा तो उसे 2 बार रिपेयर किया जाएगा, नीले कलर का होगा तो 3 बार रिपेयर किया, कोई घटिया सामग्री सब कुछ इस्तेमाल हो रहा है, इस पर कोई मॉनिटरिंग नहीं किया जा रहा है, केवल केवल कार्रवाई के नाम पर उत्पीड़न कर रहे हैं। शासन की तरफ से जो पैसा मिल रहा है वो अधिकारी ढका रहे हैं? शासन की तरफ जो पैसा मिल रहा है कर रहे हैं, लेकिन जो एजेंसी लगाई गई है घटिया तौर की एजेंसी लगाई गई है। अभी आपने, मैंने बताया मुख्य अभियंता महोदय को, कि संज्ञान में इसको भी है कि ए क्लास कॉन्ट्रेक्टर को टेंडर दिया, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, और चौथा आदमी जो डी काम कर रहा है उसे अनुभव नहीं है कैसे तार जोड़ने हैं, कैसे खंभे लगाने हैं, और जो एजेंसी काम कर रही है यहाँ पे सालासर मेरठ क्षेत्र में वो किसी तो और बुरी स्थिति है, जहाँ कार्य की स्थिति है वहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं लोग, ये लोग मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे, ना देख पा रहे हैं, ना उससे काम करा पा रहे हैं। जब इस बारे में चीफ इंजीनियर राघवेंद्र से सवाल किए गए तो उनके भी जवाब सुनिए। सर, आपके अधिकारियों पे अभी जेई थे उन्होंने घेराव कराया, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं सीधा सीधा कि इनके इनका शोषण करा जा रहा है, इनको सस्पेंड करा जा रहा है, क्या पूरा प्रकरण है, और एक जेई ने आपका जहर भी खा लिया? देखिए, गगोल में अवर अभियंता जो थे उनके पास 63 KVA का ट्रांसफॉर्मर था, वो 4-5 दिन जला रहा है, तो जब उन्होंने पीआर नहीं लगाया टाइम से तो ये बात जो है जब जानकारी में आई तो उस पर उच्चाधिकारियों द्वारा काफ़ी नाराज़गी जाहिर की गई कि भाई 4-5 दिन तक ट्रांसफॉर्मर जला रहता है और आप लोग पीआर नहीं लगाते हैं, तो क्योंकि हमारे सिस्टम ये है कि पीआर लगने के बाद ही ट्रांसफॉर्मर मिलता है नया, तो जब 5 दिन बाद ट्रांसफॉर्मर लगाया गया तो उससे बाकी छवि खराब हुई, तो ये चारों तरफ ये शिकायतें भी हुई इसमें ऊपर लेवल तक, वही कि ट्रांसफॉर्मर बदलने में समय लगाया गया, भ्रष्टाचार कर रहे हैं और अभियंता वगैरह, तो इसलिए मजबूरी में फिर ये सस्पेंस से कठोर कार्रवाई करनी पड़ी इसलिए। सर, आपके ही कर्मचारी ने आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, इनका आरोप है इनका सीधा शोषण किया जा रहा है, इनसे पैसे मांगा जाते हैं, इनके तबादले करने के, इन्हें सस्पेंड ना करने के। देखिए, मैं वो कौन अधिकारी, उन पे क्या कार्रवाई होगी? आज पहली बार उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं मुझसे। सर, रिकॉर्डेड है सब इन्होंने जो बोला है? हाँ, सब रिकॉर्डेड है, लेकिन ऐसे कोई जानकारी नहीं है कि किसी ने पैसे मांगे हैं कि भाई तनख्वाह बनाने के पैसे दे दीजिए या फिर
सीधा सीधा आरोप लगा सर, क्या भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी की भेंट चढ़ चुका है आपका विद्युत विभाग में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है कहीं पे भी जी। आरोप क्या आने वाले आरोप लगा रहे हैं? मेरी जानकारी में ऐसा कोई आरोप नहीं है। सबसे पहले बात करें बिजली मिले नहीं, सिद्ध करें, लेकिन उसके अलावा इनका आरोप है कि इनसे वसूली की जा रही है या नहीं, कोई वसूली नहीं की जा रही है। अगर इन आरोपों में सच्चाई पाई जाती है तो क्या कार्रवाई होगी आपके? एक एक्सीडेंट भी आरोप, देखिए आरोप प्रत्यारोप अब किस कारण से हुए दूसरा पक्ष सुनना पड़ेगा ना, मुझे एक्शन का सुनना पड़ेगा, मैंने बुलाया एक्शन को भी। मैं तो कह रहा हूँ ना, अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं क्या कार्रवाई होगी? अगर दोषी पाए जाएंगे जो दोषी है वो सजा मिलेगी। क्या जेईओ पर ही कार्रवाई होगी या नहीं, उच्च अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी? उच्च अधिकारियों पर होगी। इन लोगों की समस्या का समाधान कैसे होगा? जो बिजली की शहर से लेकर देहात तक की बात करें, कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ कटौती ना हो। भी गंगानगर देखा, हिमायू नगर देखा आपने, सारी समस्या 24 घंटे बिजली नहीं थी। इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा? मटेरियल खराब था, एबीसी खराब थी, उसके ऊपर 4-5 एक्सीडेंट लोग सस्पेंड भी कर दिए गए। सर क्यों खराब मटेरियल लगाया जा रहा है, क्या आप उसकी जाँच नहीं करते? नहीं, वो हमारे लेवल से जाँच नहीं होती है, लेकिन वो एमडी लेवल से जाँच हुई है उसमें। और 4 एक्सीडेंट मुरादाबाद के, 4 गाजियाबाद सस्पेंड हुए हैं, और बड़ी कार्रवाई की गई है कि इन्होंने एक्चुअली जितनी सजगता के साथ क्वालिटी कंट्रोल करना चाहिए था, उन लोगों ने फैक्ट्री में जाके जैसे 50 बंडल रखे हुए हैं तो उन्होंने सैंपल के 10 चेक कर लिए, 40 स्टैम्प नियम ये होता है तो 20% चेक किया उन्होंने, बाकी चेक नहीं किए। अब उसने फर्म ने वो खराब वाला जो मटेरियल था जो चेक नहीं किए सप्लाई कर दिया उसको। सर कल बोर्ड बैठक के बाद एक जेई ने जहर खाया है, क्या मामला था, क्या बेइज्जती की गई थी इस वजह से जहर खाया? देखिए ये बड़ा दुखद घटना है और इसमें वास्तव में बहुत सहानुभूति हम लोगों की है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये विभागीय कार्रवाइयाँ हैं, हो जाती हैं, करनी पड़ती हैं कई बार, क्योंकि शिकायत हुई थी कि 5 दिन ट्रांसफॉर्मर नहीं बदला गया जेई के द्वारा, तो इसलिए ऐसी कुछ कार्रवाई की गई। क्षेत्रीय किसी नेता के राजनेता के दबाव में ये इस राजनेता मतलब नहीं है, देखिए कंज्यूमर की परेशानी है, कंज्यूमर को शिकायत हुई, कंज्यूमर ने लिख के दिया वहाँ के लोगों ने, साहब हमें परेशान किया जा रहा है जेई द्वारा, हमें ट्रांसफॉर्मर नहीं दिया जा रहा, हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं, तो मजबूरी में फिर जो है वो कार्रवाई की गई थी। मौके पर मौजूद सरधना विधायक अतुल प्रधान ने यह कहा, चीफ ऑफिस पर हंगामा चल रहा है, क्या मामला है, किस वजह से आप पहुंचे? देखिए इस समय पूरे के पूरे प्रदेश में भीषण बिजली का संकट है, इतनी खराब मटेरियल इनका है जो लगते ही ट्रांसफार्मर जल जा रहे हैं, इनकी एबीसी की केबल जल जा रहे हैं, तार टूट के जल जा रहे हैं, और ऐसी ना जाने कितनी कंपनियां उन्होंने डिफॉल्टर कंपनियों को काम दे दिया सिर्फ लालच की वजह से, बेईमानी की वजह से, क्या उसकी वजह से पूरा प्रदेश क्राइम आम कर रहा है। मैं भी एक क्षेत्र से सरना से विधायक हूँ और मेरठ के लगभग हर क्षेत्र के संबंधित आसपास के जिलों के लोग भी उनसे संपर्क में हैं, हमसे मिलने जुलने भी आते हैं, अपनी समस्याओं को बताते हैं। लेकिन आज जब हम लोग यहाँ पर आए अपने क्षेत्र के, अपने लावड़ सरना फलावदा और क्षेत्र के अन्य समस्याओं को लेकर सारे अधिकारियों से बैठकर बात कर रहे थे, पूछ रहे थे, तो जितनी भी यहाँ पर कंपनियाँ हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से काम ले रखा है, कोई ट्रांसफार्मर का ले रखा है, किसी ने एबीसी केबल का ले रखा है, किसी ने मीटर रीडिंग का ले रखा है, जो प्राइवेट कंपनियां, वो कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ पैसे का बंदरवाड़ किया जा रहा है, अनाप शनाप तरीके से पैसे की धुलाई की जा रही है। इसी क्रम में आज एक जेई ने जो है फिनाइल पी लिया जिसको कल सस्पेंड किया गया था, तो हम लोग यहाँ देख रहे थे कि जेई लोग भी बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो हालांकि बड़ी घटना है, जेई का जहर ले लेना और ये मामूली बात नहीं है, पूरी की पूरी व्यवस्था दरअसल चरमरा गई, ऐसी चरमरा गई व्यवस्था कि जब सरकारी कर्मचारी को या जेई के रूप में हो या और अधिकारियों लाइनमैन हो, अगर बिजली विभाग से सामान ही नहीं मिलेगा और समय पर नहीं मिलेगा तो उपभोक्ता को कैसे ठीक समय पर वो सर्विस डिलीवर कर पाएंगे। तो हम सब लोग अभी यही बात चर्चा कर रहे थे, मैं इन सारे विषयों को निश्चित रूप से सदन में रखूँगा और हम लोग सदन में बिजली की समस्या को और साथ साथ इस सरकार की विफलता को सरकार के सामने रखने का काम करेंगे और ये सारी समस्याएं सदन में उठाने का काम करेंगे। अतुल भाई, लगातार अगर देखा जाए जो कर्मचारी हैं उन्होंने भी भ्रष्टाचारी का आरोप लगाया, क्या कहना है? देखिए सबसे ये पूरी की पूरी सरकार, इसमें बैठा हुआ तंत्र, जो भी कंपनियों पर काम है या इस तरह के लोग हैं, सब भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। एक दूसरे पर आरोप लगाने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्त है सबके सब लोग। तो हम लोग सरकार में बैठे हुए लोगों से कहेंगे कि जो आपके संरक्षण में एक काम और गोरखधंधा चल रहा है जिसमें जनता पिस रही है, इसको कम से कम दूर करने का काम करें। हालांकि जनता ने कुछ सबक तो सिखाया उनको लोकसभा चुनाव में,
लेकिन आने वाले समय पर इनको निश्चित रूप से इस प्रदेश से हाथ धोना पड़ेगा। जनता बहुत परेशान है, अगर अभी चुनाव करा लिया जाए तो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।